हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। उसके पहले आपको न्यूक्लियॉइड और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताते हैं। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा जाता है कि ये जो सेल पाई जाती है, सेल के अंदर जहाँ पर जो न्यूक्लियर रीजन है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वहाँ पर केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, यानी डीएनए पाए जाते हैं। तो उस रीजन को, सेल का वह रीजन जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, या जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है और केवल न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियॉइड नाम देते हैं। यहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट होंगे लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियॉइड। न्यूक्लियॉइड, तो हम पहले डिफिनेशन लिखेंगे न्यूक्लियॉइड का। न्यूक्लियॉइड कहते किसको हैं? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच इज नॉट सराउंडेड बाई बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉइड, उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड कहते हैं। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड कहते हैं। अगर न्यूक्लियॉइड आप जान गए हैं तो आप इसके बाद सेल ऑर्गेनेल भी जान लीजिए। सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता, मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म
विच परफॉर्म अ डिफिनिट फंक्शन या डिफिनिट लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, फंक्शन आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। इनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इनके एग्जाम्पल्स सेल ऑर्गेनेल्स के अगर देखेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्गी ऑपरेटस होता है, गॉल्गी ऑपरेटस होता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा कह सकते हैं। ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना अलग एक कोई फंक्शन परफॉर्म, कोई कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, गॉल्गी ऑपरेटस का अपना अलग, लाइसोसोम का अलग फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो लाइफ सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण लाइफ पाई जाती है, ठीक है। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के फंक्शन के कारण ही पूरे सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं उनमें यह मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉलोइंग टू टाइप्स, फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर वन होते हैं, होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और नंबर टू होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं उनको हम लोग देख लें। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, ना पाया जाए, और ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रिमिटिव टाइप सेल हैं, ये बहुत ओल्ड या लेस डेवलप्ड सेल होती हैं,
द सेल या असल कहेंगे, असल विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स केवल कह दीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल की क्या डिफिनेशन है उसको भी हम लोग देख लें। अगर सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए और सेल ऑर्गेनली पाए जाए तो उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। The cells having membrane bounded true nucleus and cell organelles आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अब जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनी होती है। तो अब सेल दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी हो और हो सकता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूकैरियोटिक सेल की बनी हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बनी है कि यूकैरियोटिक सेल की बनी है, इसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। On the basis of cells present, on the basis of type of cell present in the body, the organisms are of two types, दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रोकैरियोट्स, और नंबर टू होता है यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं और यूकैरियोट्स किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म
इन विच बॉडी हैज यूकैरियोटिक सेल या बॉडी इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आप एल्गी के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी आप लिख सकते हैं। तो इनमें ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अगर इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है तो हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल वही जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी जो डीएनए पाया जाता है, एक ही सिंगल डीएनए पाया जाता है, वही पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो वास्तव में जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म का ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, बहुत ही लेस डेवलप्ड पार्ट साइटोप्लाज्म का, वही लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग देखें इस चीज़ को कि हम लोग जानते हैं प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जानते हैं प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन जगह जगह ऐसे इनवर्ड फोल्डिंग बना लेती है, और इनवर्ड फोल्डिंग जो बना लेती है, इसी फोल्डिंग पर एक वेसिकल यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग हम तो ऐसे बना दिए, सही तो ऐसे बनना चाहिए, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता। और यही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेल का होना कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चीज़ ज़रूरी है? लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूरी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब होगा तो अंदर में सेल कंटेंट रहेगा और वो किसी न किसी तरीके से लाइफ फंक्शन को परफॉर्म कर लेगा। अब इसके अंदर चाहे पुअरली डेवलप्ड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक पार्ट फंक्शन कर लें, और चाहे सेल ऑर्गेनेल हो वो लाइफ फंक्शन को परफॉर्म कर लें। हम लोग वायरस के बारे में जानते हैं, वायरस
अपने लाइफ फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसमें कोई उसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है। वायरसेस डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस ये अपना लाइफ प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक ये किसी सेल के अंदर ना जाए। अगर ये किसी सेल के बाहर हैं वायरस, तो अपना लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म की तरह रहते हैं, यानी इसका मतलब अंटिल कह सकते हैं। दे डू नॉट एंटर इनटू अ सेल। जब तक कोई भी वायरस सेल के बाहर है, तब तक इसके ऊपर कोई साइटोप्लाज्म कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तब तक ये नॉन लिविंग होगा। लेकिन यही वायरस जब सेल के अंदर चला जाता है, तो इसको समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये अपना लाइफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपना मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है, सारा लाइफ फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वायरस होता है नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है। सेल के बाहर अगर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग है, और सेल के अंदर चला जाता है, किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाता है, तो वो लिविंग हो जाता है। सो या हेंस वायरस Viruses are both living and non-living. ठीक है, जानते रहिए इसको। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को जान ले। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आप दो कॉलम बना लीजिएगा, एक में प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे में यूकैरियोटिक सेल लिख लीजिए। दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो स्मॉल इन साइज होती हैं, उनकी साइज 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती है। ठीक है, इट इज स्मॉलर इन साइज
ब्रैकेट में लिख लेते हैं 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है, यानी जानते रहिए, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 1 μ, माने माइक्रो, याद रखना, माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, इसको जानते रहिए। इस चीज़ को अलग से आप जानते रहे। और ये जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं, इट इज़ लार्जर इन साइज होती है, इसकी साइज प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है। कितनी होती है? 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में, माइक्रोमीटर के बीच में। और इसमें सेकंड आपके यहाँ है, दूसरा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं। क्रोमोसोम या इट हैज ओनली 1 क्रोमोसोम और इट हैज मोर देन 1 मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ये आप देखिए, देख लिए, दोनों में बेसिक जो डिफरेंस 4 है वो हमने आपको बताया है। और भी इसमें डिफरेंस होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है लेकिन छोटा होता है, इसमें राइबोसोम होता है बड़ा होता है, इसमें कोई सिस्टमेटिक सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, इसमें सिस्टमेटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। ये लेस डेवलप्ड हैं या पुअर डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड और ये है मोर डेवलप्ड होता है। प्रो का मतलब ही प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव माने लेस डेवलप्ड।
यह है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनो बैक्टीरिया होता है, और यह यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें वो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमने बताया था, यूकैरियोटिक सेल हो सकता है ना बताए हों, तो यूकैरियोटिक सेल आप जानते रहिएगा। यूकैरियोटिक सेल में जिसमें द सेल विच हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और हमने ऑर्गेनिज्म भी बताया था, प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होते हैं द ऑर्गेनिज्म्स इन विच बॉडी सेल्स, इन विच यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट, इन विच यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट नोन एज यूकैरियोट्स इनका एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एक्सेट्रा। ये है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाना। लेकिन यूकैरियोटिक सेल तो जानते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, तो वो लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस होता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए बस इतना ही।